आज का हम लोगों का टॉपिक है पार्टिकल गन। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको प्रीवियस टॉपिक से रिलेट कर लेते हैं। यूनिट 3 में हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिएंट्स। इसको हमने ब्रीफ में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंस या जो डिज़ायर जीन्स हैं वो अपने आप को प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जब वो एक्सप्रेस करते हैं तब वो ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स बनाते हैं। तो ट्रांसजेनिक्स प्लांट जो बने उसका पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। अब जिस मेथड्स की अभी हम बात करेंगे वो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। डायरेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है वो आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीन का ट्रांसफ़र हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। अब इस स्लाइड में देखिए आप, जीन ट्रांसफ़र मेथड यानी कि जीन को ट्रांसफ़र करने के मेथड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ डायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है उनको हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट बाय एग्रोबैक्टीरियम एंड सेकंड बाय बीटी टॉक्सिन मेथड। तो ये इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। और डायरेक्ट मेथड के अंदर जो है वो आपके नंबर ऑफ मेथड्स जो है वो हैं, फर्स्ट है जैसे पार्टिकल गन, नेक्स्ट है लाइपोसोम्स, थर्ड है केमिकल मेथड, फोर्थ है माइक्रो इंजेक्शंस, फिफ्थ है सोनिकेशन, सिक्स्थ है लेज़र माइक्रोबीम, फिर है इलेक्ट्रोपोरेशन एंड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स। ये नंबर ऑफ मेथड्स जो हैं वो डायरेक्ट जीन मेथड में ट्रांसफ़र में आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तीन मेथड ही मेंशन कर रखे हैं, पार्टिकल गन, लाइपोसोम्स एंड केमिकल मेथड। तो आज हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, पार्टिकल गन। तो पार्टिकल गन क्या है? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड का एक टाइप है और इसके कई सिनोनिम्स हैं, कई नॉमनक्लेचर के नाम से जाना जाता है, और उसी तरह से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं सारे नॉमनक्लेचर्स बताती हूँ आपको कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ उसको। पार्टिकल गन, इसको जीन गन भी बोलते हैं, बायोलिस्टिक और फिजिकल मेथड भी बोलते हैं, बम्बार्डिंग मेथड भी बोलते हैं, ये इसके सारे नॉमनक्लेचर हैं। तो यदि नाम के ऊपर फोकस करें तो पता चल रहा है कि एक तरह की गन है विदाउट बुलेट, लेकिन ये गन किसको जो है बम्बार्डिंग कर रही है, पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रही है। जो पार्टिकल्स हैं वो इन ए फॉर्म ऑफ ए जीन है, यानी कि जिन जीन का हमको ट्रांसफ़र करना है उनकी वो बम्बार्डिंग करनी है। फिर इसका थर्ड नाम दिया गया बायोलिस्टिक मेथड या फिजिकल मेथड। तो बायोलिस्टिक मेथड आगे आपको क्लियर हो जाएगा इज ए कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक एंड बायोलॉजिकल मेथड का, तो वो आपको आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम बायोलिस्टिक मेथड और फिजिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल गन है इसको फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे एज यूजुअल। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस, सेकंड इज प्रिंसिपल, थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स, फोर्थ इज प्रोसेस एंड टाइप्स, एंड फिफ्थ वन इज इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये इसके फॉलोइंग हेडिंग है जिनमें हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये मेथड इजाद हुआ, जबकि हम बायोलॉजिकल मेथड इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये फिजिकल मेथड अप्लाई करने पड़े। और कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, तो जैसे पता है इसमें फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स आर रिलेक्टेंट टू एग्रोबैक्टीरियम और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सो सेवरल डायरेक्ट
और फिजिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर जीन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने एग्रोबैक्टीरियम को व्हीकल या टूल मानते हुए बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था जीन्स का, लेकिन कुछ मोनोकोट्स जो हैं इसके अंदर प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं करने की वजह से कुछ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड और फिजिकल मेथड की रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुई। यहीं से इस बेसिक पॉइंट से ही इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो ये दर्शाता है, और जितने भी मेथड्स जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के मेथड हैं वो यहीं से ही रिसर्च के थ्रू स्टार्ट हुए। दीज मॉडर्न एंड सक्सेसफुल अमंग डायकॉट्स ऑल्सो, सो इट इज़ प्रोवाइड ब्रॉड रेंज ऑफ प्लांट्स। मोनोकोट में तो प्रॉब्लम आ ही रही थी, और चूंकि मोनोकोट में ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने मोनोकोट को तो यहाँ पे सक्सेसफुली करा, लेकिन साथ में डायकॉट्स में भी ये मेथड बहुत ही कामयाब रहे। इसलिए ये जितने भी मेथड थे वो प्लांट्स की ब्रॉड रेंज को कवर करते हुए जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को अकम्प्लिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बायोलिस्टिक इसका नॉमक्लेचर किया गया था उससे रिलेटेड पॉइंट है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड ब्लास्टिक मेथड। ये एक तरीके से बम्बार्डिंग शो करता है, और बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इसमें काम में लिया जा रहा है। इसकी दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इसको बायोलिस्टिक मेथड भी या जीन ट्रांसफर मेथड भी नॉमक्लेचर में कहा गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्लेन, ये साइंटिस्ट है, फर्स्ट साइंटिस्ट ने इन 1987 में उनके ग्रुप ने एटल ने सबसे पहले एलियम सेपा में अनियन के अंदर टोबेको आरएनए को ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ से फर्स्ट रिसर्च के थ्रू जो है इस मेथड को सक्सेसफुली फॉलो किया गया। तो ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने विद एपरेटस जो है इस चीज़ को सेट किया इक्विपमेंट के साथ में। तो क्लेन एटल इन 1987, ये आपको अंडरलाइन के साथ में फोकस करना है। अपने नोट्स के अंदर आप ये ध्यान रखिए, एक या दो साइंटिस्ट के नेम जरूर मेंशन कीजिए आप लोग। डिस्क्राइब डिलीवरिंग न्यूक्लिक एसिड विच वन आर टोबेको आरएनए इनटू इंटैक्ट प्लांट सेल्स, कौन सी हैं वो, इपिडर्मल सेल्स ऑफ एलियम सेपा अनियन, रिजल्ट इन ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स और मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी कि इसका जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया टोबेको आरएनए को इंसर्ट करा के। तो ये फर्स्ट डिस्कवरी बाय क्लेन के द्वारा ये स्टार्ट की गई, उसके माइंड में आई, और उसके बाद फर्दर जो है डिफरेंट टाइप के द्वारा जो है इनकी ये पार्टिकल गन के अंदर रिसर्च स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है जो सबसे फर्स्ट जो क्रॉप बनाई जीएम क्रॉप, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वो थी मेज़ की, और उसमें जो जीन का ट्रांसफ़र किया गया था वो थे बीटी टॉक्सिन जीन। तो फर्स्ट जीएम क्रॉप मेज कंटेन्स बीटी टॉक्सिन जीन वाज प्रोड्यूस्ड, इसके थ्रू प्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू ट्रांसफॉर्म लार्जर टिश्यूज ऑब्लिक ऑर्गन, फॉर एन एग्जांपल शूट टिप लीव्स कैलस और कॉटिलिडन्स और जायगोटिक और सोमेटिक एम्ब्रियो। यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके अंदर ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो टिश्यूज के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लार्जर इन साइज हो, कंपैरेटिवली बड़ा हो, न कि सिंगल सेल हो कोई टिश्यू, वो इस फॉर्म में जो है हो सकता है, शूट टिप भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकती हैं, कैलस भी हो सकता है, एम्ब्रियोज भी हो सकते हैं, वो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर है डीएनए कोटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ये वर्ड आपके लिए नया है, इस पूरी गन के अंदर ये वर्ड बहुत बार रिपीट होएगा, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। डीएनए कोटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल यूज किया जाता है, एक्सीलरेटेड ये फिजिकल टर्म है जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज किया जाता है, एंड प्रोपेल्ड यानी कि उसको पुश किया जाता है टू पियर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन और एंटर इन टू द इंटैक्ट प्लांट सेल। यानी कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो कि तैयार किया जाएगा, इसमें काम में लिया जाएगा,
और उसको इंटैक्ट प्लांट सेल के अंदर एंटर कराया जाएगा। ये दो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल काम में लेकर उसको जो है इंटैक्ट प्लांट सेल के अंदर एंटर कराया जाएगा। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये इसके कुछ एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट हुए जिसकी वजह से इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड की, कि यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे थे इसलिए इनके ऊपर, चूँकि सीरियल्स अधिकतर मोनोकोड्स ही होते हैं, वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे आप, तो बाय डायरेक्ट मेथड। फिर डाइकोट में भी बहुत अच्छी ढंग से इसको अप्लाई किया गया, तो ब्रॉड रेंज ऑफ प्लांट्स को कवर करता है। ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो बायोलिस्टिक मेथड होता है। नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट क्लेन ने इसको एलियम सेपा के अंदर ट्रांसफ़र करा। फिर है फर्स्ट जो क्रॉप बनी वो बीटी टॉक्सिन को ट्रांसफ़र करके मेज़ की क्रॉप बनाई गई। फिर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट लार्जर टिश्यूज़। फिर ये वर्ड नया है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल या सिद्धांत की। जो इस इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल काम करता है वो बेस्ड ऑन गैस फ्लो सिस्टम और पाउडर ड्रिवन सिस्टम, इन शॉर्ट फॉर्म PDS, पाउडर ड्रिवन सिस्टम 1000 यूनिट, और हीलियम ड्रिवन PDS 1000 ऑब्लिक हीलियम, ये इसके दो टाइप्स हैं। और यही इसके सिद्धांत के ऊपर जो है इस इक्विपमेंट को जो है वो फॉलो किया गया। अब इसकी एफिशिएंसी जो है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मटेरियल, जैसे कि हमने कहा कि वो जो है मटेरियल आपका लार्जर इन साइज होना चाहिए। सेकंड जो है पार्टिकल टू बी यूज्ड एज माइक्रो प्रोजेक्टाइल, कौन से पार्टिकल एज ए माइक्रो प्रोजेक्टाइल आप काम में ले रहे हैं, और एक्सीलरेशन कितनी आप उसको त्वरण के साथ में उसका आप स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट जो इसका सिद्धांत में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डीएनए डोजेस, यानी कि यदि डीएनए डोजेस ज़्यादा हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, कम है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि आपको रिवर्स करना है तो आप केमिकल के साथ में रिवर्स कर सकते हैं। अब इसी के अंदर है आपके प्रिंसिपल में नेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल, आप कैसे तैयार करेंगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल को, वो इसके अंदर ये है कोटिंग ऑफ डीएनए ऑन टू स्मॉल डेंस पार्टिकल नोन एज माइक्रो प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं राउंड इन शेप में, और उनको आप तैयार करते हैं। ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आता है, डेफिनेशन आप डिफाइन कीजिए। अब ये जो पार्टिकल है वो मस्ट बी केमिकली इनर्ट होने चाहिए, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो। और वो आप जो पार्टिकल लेते हैं वो गोल्ड के ले सकते हैं, टंगस्टन, प्लेटिनम या पैलेडियम के आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आप पार्टिकल जो है वो काम में ले सकते हो। फिर क्या लिमिटेशन है कि साइज़ कितना होना चाहिए पार्टिकल में, तो साइज़ जो है 1 से लेके 1.6 μm तक हो सकता है, माइक्रोमीटर तक हो सकता है, रेंज इसकी इतनी हो सकती है। गोल्ड के अंदर 1 से 1.5 इतना हो सकता है, टंगस्टन के अंदर 1.2 से 4 μm तक हो सकता है। अब आप इसको तैयार कैसे करेंगे? माइक्रोमेटल हमने किसे बोला है, जो कि केमिकली इनर्ट यानी कि टंगस्टन या गोल्ड के जो पार्टिकल आप काम में ले रहे हैं, सबसे पहले आप उसको स्टरलाइज करेंगे विद C2H5OH, फिर उसको वॉश करेंगे विद वाटर। नेक्स्ट उसका सस्पेंशन आप स्टोर्ड करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टंगस्टन का और -20 पे AU का, गोल्ड का। उसके बाद में इसको जो है मिक्स्ड करेंगे विद प्लाज्मिड डीएनए। यहाँ पे ये प्लाज्मिड डीएनए कौन सा है, जो ट्रांसजीन्स आपको लेने हैं काम में, डिजायर्ड जीन्स आपको काम में लेने हैं। फिर आप इसको फिक्स्ड करेंगे विद CaCl2 और बाय द प्रेसिपिटेशन मेथड। अगेन इसको आप वॉश करेंगे एंड रीसस्पेंडेड करेंगे और स्टोर करेंगे इधर इन ड्राई और एक्वा सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो है वो तैयार होती है। और इसको आप जो है वापस से रीड कीजिएगा कि किस तरीके से इसका प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये इंट्रोडक्टरी और प्रिंसिपल कैसे काम करता है और माइक्रो प्रोजेक्टाइल कैसे आप तैयार करते हैं।